चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अच्छा प्रदीप चौधरी जी का कार्यकाल कैसा लगा आपको जी पिछले 5 साल? खत्म रहा यार। मनीष चौहान कह देंगे वही वोट जाएगी मेरे गांव की। लड़े इकरा हसन भी और प्रदीप चौधरी भी, तो जीत कौन सकता है दोनों में से? इकरा जीतते हैं। फिर लोग इसकी भी देंगे वोट, अगर इसकी देनी प्रदीप की भी दी जाएंगे और उसकी इकरा की भी जाएंगे। अच्छा इकरा के पापा का मनोवर हसन कैसे कार्यकाल रहा? बढ़िया रहा, निष्पक्ष है यू परिवार, निष्पक्ष है हसन परिवार। हाँ जी हसन परिवार निष्पक्ष है, सरकार है कोई सबके लिए बराबर है। अच्छा इकरा कैंडिडेट कैसी लगती है आपको? ठीक लगा है, बढ़िया कैंडिडेट है, हम तो नहीं गलत नहीं मानते। सीसे में आप सभी का स्वागत है। हम अभी कैराना लोकसभा सीट के गांव डुंडूखेड़ा में हैं। डुंडूखेड़ा गांव जो कि एक गुज्जर बाहुल्य गांव है, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां से इंडिया गठबंधन से इकरा हसन, भाजपा से जो है प्रदीप चौधरी को दोबारा टिकट मिला है, और बसपा से अगर बात करें तो सिरपाल राणा जी को टिकट मिला है। हम अभी गाँव के लोगों के बीच है, चुनाव के बारे में लोगों से बात करेंगे कि इस बार जो है क्या देख रहे हैं, उनके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के लिए। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? हरपाल है। अच्छा हरपाल जी, चुनाव आ रहे हैं, भाजपा ने सांसद प्रदीप चौधरी को टिकट दिया दोबारा से, एक तरफ इकरा हसन है, बसपा से जो है सिरपाल राणा जी, तो क्या देख रहे हो इस बार? हम तो इसके देंगे वोट दूध लेगी भाई जी, प्रदीप चौधरी। हाँ। अच्छा प्रदीप चौधरी जी का कार्यकाल कैसा लगा आपको जी पिछले 5 साल? खत्म रहा है। अच्छा फिर भी आप कह रहे थे कि वोट वही देंगे? जोर पड़ेगा इनका मंत्री का। अच्छा हाँ, और मोदी का और योगी का। भाई साहब सुन जी, आपका नाम? सेठपाल। अच्छा जी, यहाँ तो भाग जो हैं एक चौधरी वीरेंद्र सिंह के हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ किसी भी उसमें रहा राजनीति में इसी गांव में, यहाँ जहाँ भी हमने कहे वहाँ ये गांव बंदे उसी के हैं। अच्छा, जहाँ कहेगा वहीं वोट सपोर्ट मेरी वहाँ हुआ। वीरेंद्र सिंह कह देंगे या मनीष चौहान कह देंगे वहीं वोट जाएगी मेरे गाँव की, नहीं तो वोट नहीं गिरने की और कहीं भी। वो तो भाजपा में है अभी, लेकिन वो तो प्रदीप जो, हाँ वो कह देंगे वही वोट डाल देंगे। हाँ आपको लगता क्या है वैसे, किसको उम्मीद लग रही है इस बार कहराने से? उम्मीद तो पता नहीं भाई, तो इकरा हसन भी मैदान में है, उधर से सिरपाल राणा है, लेकिन हम नहीं मानते। अच्छा इकरा कैंडिडेट कैसी लगती है आपको? ठीक लगा, बढ़िया कैंडिडेट है, हम तो नहीं गलत नहीं मानते। बढ़िया लगा। अगर प्रदीप चौधरी भाजपा से ना होते, अगर या निर्दलीय दोनों लड़े इकरा हसन भी और प्रदीप चौधरी भी, तो जीत कौन सकता है दोनों में से? इकरा जीतते हैं। फिर अगर मोदी ना हो प्रदीप चौधरी? हाँ, इकरा जीतते हैं जी। बब्बा जी आपका नाम? करण सिंह। अच्छा चुनाव आ रहे, आपने तो बहुत सारे चुनाव देख लिए, तो इस बार क्या लग रहा मामला इधर का? भाई बढ़िया ही लग रहा मामला तो। अच्छा हाँ, क्या क्या बढ़िया लग रहा? भैया ही बचा हुआ है, मान नहीं किए मेरे काम, बस इसके बंद रहे हैं, और वो मान ले तो गई खरा मेरी पड़ोसन है, हर टाइम जो खड़े हों, ब्यादरी की भी है कोई ऐसी बात नहीं है, हर से लोग इसकी भी देंगे वोट, अगर इसकी देनी प्रदीप की भी दी जाएंगे और उसकी इकरा की भी जाएंगे। अच्छा इकरा के पापा का मनोवर हसन कैसे कार्यकाल रहा? बढ़िया बढ़िया रहा मनोवर हसन। हाँ मनोवर हसन का बढ़िया। तो लगता है आपको कि उस तरीके से अगर वो जीत के आ रही है उस अपने पापा की तरह काम कर पाएगी? काम तो सरकार नहीं करने देती, काम नहीं करने देती। एक एक ही एमपी बन गया सुन, और सरकार बन गई भाजपा, तो क्या काम करेगा? बाकी निष्पक्ष है, निष्पक्ष है यू परिवार, निष्पक्ष है हसन परिवार। हाँ जी हसन परिवार निष्पक्ष है, सरकार है कोई सबके लिए बराबर है। आपका नाम? मामचंद। अच्छा मामचंद जी, इधर तो कह रहे कि भाई विरोध घना हो रहा है, नहीं कभी प्रदीप चौधरी? नहीं विरोध ना तो छोड़ो, यहाँ तो माननीय मंत्री जी के साथ हैं, माननीय मनीष चौहान, जैसे ये करेंगे वैसे करेंगे, हमारे तो गाँव की गुआंड की चंडीगढ़ बना रखी सारी। अच्छा अच्छा, आओ भी जी भी, यहाँ कुछ काम ही नहीं छोड़ रखे, सारे काम इन्होंने कर रखे हैं। रही टिकट की बात भाई, वो ऊपर का है, जैसे हम ऐसा मैटर है उनका है हमारा नहीं है, लेकिन हम तो इनके बगैर कहीं नहीं जा सकते। अच्छा लगता है आपको कि भाई क्योंकि
विधानसभा की अगर बात करें तब भी मनीष चौहान जी टिकट मांग रहे थे, तब भी नहीं मिला, और अब भी मांग रहे थे, अब भी नहीं मिला। कहीं ना कहीं की बात चल रही थी कि बस कहीं ना कहीं को गलती होगी होगी बस। क्या रिपोर्ट आगे से आगे तक अच्छी नहीं जा रही है या फिर कार्यकाल? तो देखो नहीं बता सका हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि नहीं मनोगे बगैर ही हम वोट नहीं देने के बिल्कुल भी कहीं। अच्छा, मनीष चौहान के बिल्कुल। बाकी सर हमारे कार्य जो भी कर रखे थाने के तहसील के रोड पोड हमारे गाँव में भी गुहांड में भी कहीं भी कोई सीसी बगैर सड़क नहीं है। अच्छा। सब काम करे माननीय मंत्री जी के इनके। अच्छा, आप कभी गए प्रदीप जी के पास तो? कभी आए हो कभी गांव में? नहीं। अच्छा, गांव में भी नहीं आए? एक दिन आए थे मंदिर में कहीं, हमने तो मिले भी नहीं। अच्छा। जी आपका बोल दो भाई। भाई मैं नहीं करा के वोट दूंगा, आवाज खत्म। अच्छा, क्यों दे रहे करा के वोट? बस मेरी मर्जी। क्या लग रहा है ग्राम में? जो भी लग रहा। जी सूरज जी। अच्छा सूरज भाई, चुनाव आ रहे 24 के, गठबंधन भी हो गए, इधर भी हो गए, उधर भी हो गए, तो लग रहा कौन बाजी मारेगा? देखो जी, वो तो किस्मत है, नहीं जहाँ मनीष चौधरी कहेंगे वहीं वोट देंगे हम तो। अच्छा अच्छा, सरकार का काम कैसा लग रहा है? सरकार का बढ़िया है जी, एक नंबर, सुरक्षा बढ़िया हो रही है। तो कह रहे मनीष जी का टिकट हो जाता तो खुल का आते सब। अरे भी हम तो कह मोदी जी तो वोट दे रहे हैं, प्रदीप को नहीं दे रहे? नहीं जी। और चौहान साहब ने अगर मनीष जी ने कह दिया कि वो वहाँ वोट ना करियो? नहीं, फिर तो जहाँ में कहेंगे वहीं देंगे हम। अच्छा, मनीष जी जहाँ कहेंगे वहीं देंगे। हम अभी कैराना लोकसभा सीट के गांव डुंडा खेड़ा में थे, यहाँ पे हमने जो है गांव के लोगों से बात की। गांव के लोगों का कहना है कि भाई भाजपा के जो सांसद है प्रदीप चौधरी, वो कभी गांव में नहीं आए। इनका कहना है कि भाई जहाँ जो है हमारे मनीष चौहान का अगर टिकट हो जाता तो फाइट होती चुनाव में। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।